बच्चों आज अपना छेवीं जमात का अंग्रेजी का पहला पाठ पढ़ांगे। उसका टाइटल है द फार्म हाउस काउज। फार्म हाउस की हुंदा जिहड़ा असी खेत च घर पाया हुंदा जिथे नाल नाल साडे कोले खेती का समान भी हुंदा पशु जानवर भी हुंदे ने ते उत्थे साडा परिवार भी रह रहा हुंदा उहनूं असी फार्म हाउस कह दिंदे आ। राजिंदर वाज वेरी हैप्पी हिज पेरेंट्स हैड बॉट अ फार्म हाउस इन अ विलेज। हुण राजिंदर बड़ा खुश सी उहदे जिहड़े माँ प्यो सी उहदे पेरेंट्स सीगे उन्होंने एक फार्म हाउस खरीदिया सी पिंड च। बॉट का मतलब हुंदा खरीदिया। दे आर मूविंग फ्रॉम सिटी टू विलेज। हुण उह शहर तों पिंड रहिण वास्ते जा रहे सी। देयर आर डिफरेंट डोमैसटिक एनीमल्स। डोमैसटिक की हुंदा पालतू। उत्थे अलग अलग पालतू जानवर सीगे सच एज गॉट्स। गॉट्स की हुंदा साडे कोल बकरियां डक्स बत्तखां हॉर्सिस घोड़े हैंज मुर्गियां रैबिट्स खरगोश एंड काउज। काउज हुंदा गावां ते उस फार्म दे विच उहदे कोले गावां भी सीगियां। रजिंदर वाज काउंटिंग ऑल द एनीमल्स। हुण रजिंदर पूरा खुश सी। हुण उह की करदा सी खुशी च उहनूं इन्ना चाह चढ़िया पिया सी उह सारे जानवरां नूं गिणी जांदा सी वी किन्नियां साडे कोले बकरियां ने किन्नियां बत्तखां ने किन्ने घोड़े ने किन्नियां मुर्गियां ने किन्ने खरगोश ने। बट ही डिड नॉट काउंट द काउज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द काउज। पर वह गावां नहीं गिण रहा सी क्योंकि उहनूं गावां पसंद नहीं सी तां ही वह बाकी सारे जानवर तां गिणी जांदा सी पर गावां नहीं गिण रहा सी। आई डोंट लाइक काउज एट ऑल। लाइक हुंदा पसंद करना। वो कहिंदा मैनू गावां पसंद नहीं हैगियां। दे आर बैड सैड रजिंदर। ये तो बुरियां हुंदियां ने बेकार हुंदियां ने मैनू नहीं वधिया लगदियां ये। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स सैड मदर। डिलीशियस हुंदा स्वादिष्ट स्वाद। हुण उहदी मदर उहनूं कहिंदी उहदी मम्मी उहनूं कहिंदी कहिंदी नहीं ये तो साडियां बहुत वधिया मित्र ने ये तो सानू इन्नियां स्वाद चीज़ां दिंदियां ने इन्ने स्वाद तोहफे दिंदियां ने। मदर दैन गेव रजिंदर अ मग फुल ऑफ मिल्क। उहदी मम्मी ने उहनूं एक कप वड्डा कप भरिया हुआ दुध दा पीण वास्ते दिता। ही ड्रैंक इट एंड लाइक इट वेरी मच। ओह रजिंदर उह सारा दुध पी गया ते उहनूं बहुत पसंद आया। मदर टोल्ड रजिंदर दैट इट केम फ्रॉम द काउ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਾਂ ਨੇ। ਐਟ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਮਦਰ ਸਰਵਡ ਅ ਡਿਸ਼ ਆਫ ਸਵੀਟਨਡ ਐਪਲਸ ਟੂ ਰਜਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਆਲਸੋ ਪੁੱਟ ਅ ਲਿਟਲ ਜੱਗ ਆਫ ਥਿੱਕ ਕਰੀਮ ਔਨ ਅ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਕਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਣੀ ਮੱਖਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਤੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਏਟ ਦਾ ਡਿਸ਼ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੀਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਮੱਖਣੀ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ। ਦਾ ਡਿਸ਼ ਟੇਸਟਡ ਨਾਈਸਰ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਦਰ ਟੋਲਡ ਰਜਿੰਦਰ ਦੈਟ ਦਾ ਕਰੀਮ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਲਕ ਆਫ ਕਾਊ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਖਣੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਐਟ ਟੀ ਟਾਈਮ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਮਦਰ ਸਰਵਡ ਅ ਲਾਫ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਦ ਜੈਮ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਮਦਰ ਆਲਸੋ ਆਫਰਡ ਰਜਿੰਦਰ ਅ ਲੰਪ ਆਫ ਹੋਮ ਮੇਡ ਚੀਜ਼। ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਨੀਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਨੀਰ ਵੀ ਧਰਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਧਰ ਲਈ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਾਲ ਜੈਮ ਲਾ ਲਈ ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਧਰ ਲਈ ਫਿਰ ਖਾਈ ਬ੍ਰੈਡ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਡ ਵਟ ਅ ਨਾਈਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰ ਦਾ ਕਾਓ ਇਜ਼। ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹੇਟ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਅ ਨਾਈਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕ੍ਰੀਚਰ ਦਾ ਕਾਓ ਇਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹੇਟ ਇਟ ਐਨੀ ਮੋਰ।
वो कहिंदा हुण नहीं मैं इहनू नफ़रत करदा, हुण नहीं मैं इहनू बुरा कहिंदा, हुण मैनू इह वधिया लगण लग गईआं क्योंकि इह तां सानू इन्ना कुछ दिंदियां। अग्गे आ गईआं अपने कोले बच्चिओ इहदीआं एक्सरसाइज़। पहलां आपां फिल इन द ब्लैंक्स खाली थावां भरांगे। रजिंदर वाज डैश बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड बॉट अ फार्म हाउस। अगे देखो अपने को ऑप्शन दिखाई ने फ्रेंडली क्रीम गिफ्ट्स चीज़ हैप्पी। हूँ वह कहते जदों वो माँ प्यो ने फार्म हाउस खरीदया से उदो रजिंदर रजिंदर की सीगा जा उन्हों की महसूस होया तो रजिंदर वाज हैप्पी। आप पढ़िया सी ना पाठ च काउज गिव अस डेलीशियस डैश की दिंदियां ने काओ आपां नूं स्वादिष्ट गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ा अलग अलग तोहफे। राजू एट एप्पल्स विद डैश। राजू ने एप्पल्स सीगे जिहड़ी वो सेबां वाली सब्जी सी वो कादे नाल खाधी क्रीम नाल। मदर ऑफर रजिंदर अ लंप ऑफ होम मेड डैश एट टी टाइम। चाह के समय जो ब्रैड खा रहा तो उसकी मम्मी ने उन्हें की दिता सी पनीर चीज़। काउज आर नाइस डैश क्रिएचर। काउज आर नाइस की ने फ्रेंडली क्रिएचर ये भी आपां हुणी पिछे पढ़ के हटे हाँ। अगे अपने कोले आ गए ट्रू फॉल्स जिन्हों आप कह दें सही गलत। आप लाइन पढ़ांगे तो फिर आप देखांगे भी पाठ च ये गल हुई सी कि नहीं, पाठ के हिसाब नाल ये गल सही है कि नहीं। रजिंदर फैमिली वाज मूविंग टू सिटी फ्रॉम विलेज। हुण पढ़ो समार के वो कहिंदा मूविंग टू सिटी वो शहर च मूव हो रहे सी फ्रॉम विलेज पिंड तो। ये लाइन कहिंदी है कहिंदी रजिंदर का जिहड़ा परिवार सी ओह पिंड तो शहर जा रहा सी पर पाठ च तां आपां उल्ट पढ़िया सी वो तो शहर तो पिंड आ रहे सी इस करके यह लाइन हो गई फॉल्स यह गलत है। द मिल्क कम्स फ्रॉम द काओ जिहड़ा दुद्धा उगां तो मिलता बिल्कुल ठीक है ट्रू। रजिंदर डिड नॉट लाइक काउज एट फस्ट। शुरू तो रजिंदर गावं पसंद नहीं सी ये भी ट्रू है। मदर सर्व रजिंदर स्वीटनड पोटैटोज एट लंच। स्वीटनड पोटैटोज मिठे आलू वो मम्मी ने उन्होंने मिठे आलू दिते सीगे लंच च दोपहर के खाने च ये बिल्कुल गलत है ये आपां नहीं पढ़िया तां करके इत्थे आऊगा फॉल्स। रजिंदर लाइक द होममेड चीज़ वेरी मच। रजिंदर ने वो घर का बनाया सी पनीर वो बहुत पसंद आया हाँ बिल्कुल उन्होंने पसंद आया सी इस करके साढ़े कोले आ गया ट्रू। उम्मीद करते हैं बच्चे कि जिहड़ा सारा अपना पहला पाठ है द फार्म हाउस काउज ये सोनू बहुत वधिया तरीके दे नाल समझ आ गया होगा। सोनू सारा पाठ भी पता लग गया सोनू सारी एक्सरसाइज भी आने लग गई। हुण तुसीं कोई भी अपनी पंजवीं जमात वाली कापी जिहड़ी तुहाडे कोल खाली पई है उहनू चक्को ते जिथों खाली पेज शुरू हुंदे आ उत्थों एक पेज मोड़ लो ते अपनी ये सारी एक्सरसाइज उते नोट कर लो तां कि तुहाडे कोल ये सारे नोट्स वधिया तैयार हो जाण। अज्ज आपां सारा ये पहला पाठ खत्म करता ते अगे आपां अगला पाठ करांगे।